मशहूर फुटबॉलर यश मेवालाल की स्मृति में इस महीने के आखिर में एक कैलेंडर रिलीज, खूबसूरत कैलेंडर रिलीज होने जा रहा है, और जो जो इस कार्यक्रम के आयोजक है ये फुटबॉलर यश मेवालाल के बेटे किशन लाल। ये कार्यक्रम कोलकाता के हेस्टिंग्स पार्क में होगा, खिदरपुर इलाके में, जिसमें कई और मशहूर व्यक्तित्व भी शामिल रहेंगे। और यश मेवालाल की खासियत ये है कि वो IFA लीग के विनर रहे हैं, मशहूर फुटबॉलर रहे हैं, और उनके नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं। आइए इस बारे में उनसे बात करते हैं, उनके बेटे यश किशन लाल से। नाम किशन लाल है, मैं हेस्टिंग्स फुटबॉल क्लब का सचिव हूँ, और हेस्टिंग्स फुटबॉल क्लब 2021 में 30 तारीख को संभवतः एक कैलेंडर, खूबसूरत कैलेंडर रिलीज करने जा रही है अपने बाबूजी की याद में, एस मेवालाल जी की याद में, जो हमारे हेस्टिंग्स फुटबॉल क्लब के फाउंडर रह चुके हैं। और इसमें हमारे कुछ अतिथिगण, जौहर दास जी फुटबॉल प्लेयर आने का बात है, उसके द्वारा रिलीज की जाएगी, और इसमें शामिल होगी हमारे जो चेयरपर्सन हैं श्रीमती बिल्किस बेगम जो फोरमाता हैं, और फयाज खान साहब जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, कन्वेनर हैं, और हमारे प्रेसिडेंट साहब नईम साहब और तापस रंजन साहा। ये हम लोग कैलेंडर हर साल रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यश मेवालाल जी का जो फुटबॉल से जो अपने लगाव है, उनको और पॉपुलर किया जाए, यही उद्देश्य से हेस्टिंग्स फुटबॉल क्लब हर साल उनके नाम से एक खूबसूरत कैलेंडर रिलीज करने जा रहा है। हम आपको डेट, हमारी 30 तारीख की मीटिंग है, उस पर हम प्रेस को कंफर्म कर देंगे। धन्यवाद। सबको मेरा सलाम नमस्कार। आज नए साल के शुभ अवसर पर आप सबों को, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी हेस्टिंग वासी हैं, वॉर्डगंज वासी हैं, मेरे त्रिपुर अंचल के लोग, उन सबको तहे दिल से आज नए वर्ष का शुभकामनाएँ। पिछला साल जो गया हम लोगों का बहुत ही भयानक साल गया, किसी बहुत लोगों ने अपने बहुत ही करीबी जो थे उनको खोया है, और इसमें बहुत दुख में मुसीबतों में सामना किया है। बहुत लोगों का नौकरी चला गया है, बहुत लोगों को जो है बीमारियों का उसे जूझना पड़ा है, आर्थिक स्थिति जो है वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोग आशा करते हैं ये नया साल जो है हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे आशा के लिए जो है वो खुशहाली लाए, और यहाँ के सारे आवाम जो है खुश रहे, सेफ रहे। सबसे बड़ी बात है सेफ रहे, मास्क जरूर पहनिए, और पहले अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए, उसके बाद कोई काम कीजिए। आशा है कि नया वर्ष हम लोगों के लिए, हम सबों के लिए एक ऐसा पैगाम लेके आए जहाँ हम लोग अमन और शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ आपस में एक दूसरे से मिलकर, और हर के त्यौहार पर्व को, हर के जात पात को भेदभाव ना करते हुए हम लोग मिलकर रहे, यही मनोकामना करते हैं। जिए तो साथ जिए, मरे तो साथ मरे। बहुत बहुत धन्यवाद।